बच्चा वो स्कूल में पढ़ता जहाँ पढ़ाता था ना सरस्वती में, तो ये उनके पिताजी, क्या नाम बच्चे का? वो मोटू है, मैं बताऊँ। और देखो रास्ते में जाते जाते हमें क्या मिला, मेरा तो ओले उद्धार, मैं तो पहुँच लिया राम मंदिर। हाँ पे ना गाड़ी पलटी पड़ी थी। लो जी महाराज जी, मैं तो पहुँच गया कहाँ किठोर। मेरा मेरे पास आईफोन तो है नहीं अभी, मेरा आईफोन खो गए है ना। जय श्री राम, जय श्री राम। हम जा रहे हैं राम मंदिर, उसने मेरा मैं केले नहीं दिए। भाई क्या नाम है तेरा? अमन बता अपना। मेरा नाम दक्ष है। हेलो, जय श्री राम सभी को। कैसे आप सभी? मेरा नाम अंश वर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बेनी वीडियो में। तो कल की जो आपने वीडियो देखी थी उस वीडियो में हमारा हुआ था स्वागत, और आज हमारा दूसरा दिन है। और रात हम रुके थे कैली गांव में, कैली गांव से थोड़ा सा पीछे त्यागी फार्म हाउस पड़ता है, तो वहाँ पर रुके थे हम। और बाबूजी ने बहुत बढ़िया सेवा करी हमारी, रात को हम यहीं सोए इनके बिस्तरे में। उन्होंने हमारा खाना वाना जैसे भी था सब यहीं हुआ खाना पीना। अभी सुबह के बज रहे हैं, 5-6 बज रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से किठोर की साइड को। किठोर से आज हमारा जो विश्राम होगा मतलब गढ़ में रुकने वाले हैं। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और हाँ प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो मेरे, ठीक है ना। और ये हमारे भैया जी, ये इन्हें दिखाओ, इन्होंने रात भर बहुत सेवा करी। इनका जो बच्चा वो स्कूल में पढ़ता जहाँ पढ़ाता था ना सरस्वती में, तो ये इनके पिताजी, क्या नाम बच्चे का? मनीष नाम। उसने मुझे पहचान लिया था, आगे कैली गाँव में मैं वहाँ जान के नहीं रुका, नहीं तो वहाँ तो और भी बच्चे मिलते मेरे को, बस मैं इसीलिए यहाँ पर रुक गया। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जय श्री राम, हर महादेव। और मैं आपको बाबूजी से मिलवाता हूँ। हेलो, हमारे बब्बा जी, जिसमें हमें रात सेवा दी थी, हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे। धन्यवाद आपका हमें यहाँ विश्वास कराने के लिए। तो यही है बाबूजी, जिन्होंने हमारा सारा खाना पीना करा रात। धन्यवाद बाबूजी, फिर मिलेंगे आपसे। बस जी चल रहे हैं, बस अब तो आगे जाना है, किठोर तक जाना है। बाबूजी भी आश्रम ही बना रहे हैं साहब रुकने के लिए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। बिस्तरे खाट खाना पीना, सारी फैसिलिटी देंगे जैसे हमें दी ऐसी सबको मिलेगी। भगवान भला करे सारा। हाँ जी सही बात जी बाबू जी, यहाँ पे हम सुरक्षित भी थे और स्वस्थ भी थे। वालों को इग्नोर मारियो, मैं कैली राधना और 2-3 गांव बीच में पड़े थे, उनको पार करने के बाद हम ढूंढ रहे हैं कोई 12। अभी बालों की हालत देखो, अभी हम नहा ही नहीं है क्योंकि हमें कोई नहाने का साधन नहीं मिला। अभी हमें ऐसे इस तरीके के नल तो मिल जाते हैं ये है ना, पर हम कोई ढूंढ रहे हैं 12 जहाँ पर हम स्नान कर सकें। और वो देखो उज्ज्वल गोला पीछे आ रहा है, वो थोड़ा सा हैवी वेट है, मतलब वो मोटू है मैं पतलू है, वो मोटू है मैं पतलू हूँ, तो मैं तेज थोड़ी सी उससे थोड़ा सा आगे हूँ, ज़्यादा आगे नहीं हूँ, थोड़ा सा आगे हूँ है ना। और सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा है और इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर थोड़ा सा आप सपोर्ट करो प्लीज़ यूट्यूब पे। जय श्री राम बिना लिखे तो जाया मत करो, इससे देखो पैसा मतलब इससे हमारा है ना आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, बस यही काफ़ी आपका साथ है ना। तो 600 किलोमीटर का सफ़र है, ऐसे तो तय होने वाला है नहीं है ना, कमेंट पढ़ पढ़ के जी सा लगेगा, कर देंगे पार। जय श्री राम, हर महादेव। और ना ही हमने अभी नाश्ता वास्ता करा, नाश्ता करेंगे हम किठोर पहुंच के। अभी हमने राधना कैली 2-3 गांव और लास्ट बीच में पड़े थे जैसा मैंने बताया, इनको पार करने के बाद हम किठोर पहुँच जाएँगे। उससे पहले कोई हमको 12 मिल गया तो स्नान करेंगे, फिर हम नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर हम निकल लेंगे गढ़ के लिए। आज हमारा जो टारगेट है गढ़गंगा है, गढ़ गंगे वहीं। अब की बार तो वैसे मैं जा नहीं पाया जैसे व्लॉग बनाने के लिए, मैं पहली बार गया था पिछले साल भी किसी वजह से गया था, अब वो वजह साथ नहीं है, पर जाएंगे ज़रूर हम। और देखो रास्ते में जाते जाते हमें क्या मिला, देखो नीचे देखो, 600 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है हमें।
अभी काफी लंबा सफर है, अभी तुम 14-15 किलोमीटर आए, मवाने से कितना आ गए, 20 किलोमीटर आ गए शायद, है ना, 24 आ गए। आज हमारा टारगेट है 30 किलोमीटर चलने का, जब भी हम पहुंच पाएंगे 600 किलोमीटर। मेरा तो बोले उद्धार, मैं तो पहुंच लिया राम मंदिर। ये जो हमारे उज्जवल गोला जी हैं, ये देखो, इनको मैंने नया नाम दिया है नंदी महाराज। चल रहे मेरे साथ, ये भाई साहब थोड़ी दूर चलते हैं, रुक जा। एक तो इन्होंने इतना हैवी वेट धरका, उसमें 30 किलो हो जाना है, मेरे वाले में 20 किलो हो जाना है। मैं कह रहा हूँ मेरे को दे दो। नहीं, अपना ही लेके चलना, आएगा मेरे कंधे पे आएगा वेट वो। हाँ, तो जो हमारे नंदी महाराज जी थे, उनका बैग मैंने ले लिया, क्योंकि उनका बैग बहुत ज़्यादा भारी था और उन्हें काफ़ी भारी लग रहा था। अब आके मैं सच बताऊँ तो बैग भारी भी है, इसमें कम से कम 30 किलो वजन है, और 30 किलो वजन तो मेरे में सारा नहीं, मेरे में 47 लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। मैं कुड़ी नहीं हैगी, मैं मुंडा हैगा। तो अब देखते हैं उनके सफ़र में कुछ आसानी होती है या नहीं होती है। मैं तो ढा के चल दूँगा 50 किलो भी, मैं तो मैं बॉडी बिल्डर ना होगी, बस चलते चले जाऊंगे नाम के, राम के नाम पे, जय जय श्री राम कहते कहते सफर आसानी हो जाए। अब मैं तो सही बताऊँ ना, मुझे तो मज़ा आ रहा है। अभी हम किठोर नहीं पहुँचे भाई साहब, अगर मैं अकेला होता ना, मैं रात ही गड़ जा के सोता। पर ये हमारे नंदी महाराज जी थोड़े से हैवी वेट चैम्पियन है, सो वी जस्ट टेकिंग अ टाइम मैन, यू हियर मी। कोनो फ़ायदा नहीं हुआ नंदी जी का बैग लेके, वे अब भी पीछे ही है। हमने सोचा था कि उन्हें यात्रा करने में थोड़ी सी आसानियत हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, नंदी जी अब भी हमारे पीछे ही हैं। अब हम नंदी जी को इज्जत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने उनका नाम रखा है नंदी जी, और नंदी जी हमारे भगवान भोलेनाथ की सवारी है। 2017-18 की बात है, मैं किठोरी जा रहा था गाड़ी से, था तो ये जो बम्बा है ना, ये इसमें ये जो रजवाया है, रजवाया बोलते हैं इसको, है ना, ऐसी चीज़ों को रजवाया बम्बा इस तरीके से बोलते हैं। ये चीज़ें मुझे किले में यहाँ पर पता लगी थी, तो यहाँ पर ना गाड़ी पलटी पड़ी थी एक, इसमें गाड़ी गिर गई थी, क्योंकि यहाँ का जो रोड है ये बड़ा ख़तरनाक है, थोड़ा पता था। देखो नंदी जी अब भी दिखाई नहीं दे रहे, पीछे ही हैं, बहुत पीछे हैं। लो जी महाराज जी, मैं तो पहुँच गया कहाँ, किठोर, डेरा किठोर का बोर्ड लगा हुआ है, और हमारे नंदी महाराज जी पीछे ही हैं, और हमें स्नान करने के लिए, नहाने के लिए कोई ट्वेल मिली नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, किठोर पार करने के बाद एक नहर पड़ती है, वहाँ पर नहाएंगे। अगर वो चल रही होगी तो सूख रही होगी, क्योंकि एक पीछे नहर है मवाने में ही है, वो भी चल रही है, वो भी चली रही होगी, तो वहाँ पे हम स्नान करेंगे, वहाँ पे नहाएंगे, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। और यहाँ पे एक तालाब है, दिखाता हूँ आपको, तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियों होंगी। जैसे आप पिठोर में एंटर होते हो, सीधे हाथ पे आपको ये तालाब मिल जाएगा, ये देखो, ये फिश तालाब है, मतलब ये मछली पालन करते हैं ऐसी। और देखो इसमें जो बोट खड़ी है ना, ये वाली, ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग दे रही है जैसे जम्मू कश्मीर अगर आप गए हो वहाँ पर ना, ऐसी झीलों में, बड़ी बड़ी झील होती है वहाँ सी, तो ऐसी नाव होती है जिसमें वे खाने पीने की चीज़ें सेल करते हैं। तो अभी हम रुके हुए हैं एक होटल पे, होटल का नाम है श्री राज। भोलेनाथ की तस्वीर लगी है देखो ऊपर पीछे, तो भोलेनाथ को देख कर रुक गए थे हम, तो हम यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, अभी भोजन से कर लें, बस भोजन नहीं, मतलब लाइट मतलब खाना। और ना एक दिक्कत हो गई मेरे साथ, मेरे पास आईफोन तो है नहीं, अभी मेरे आईफोन खो गए, है ना, एक नहीं कई खो गए, ठीक है। तो अभी मेरे पास सिंपल फ़ोन है, और वो भी आउट ऑफ ऑर्डर हो रखा है भाई सब, अभी एकदम से अचानक से, मतलब मैंने ना कल परसों जब मैं आ रहा था, नहीं कल ही चले हम, परसों हम मेरठ गए थे, मेरठ जाने से पहले हमने एक वो चेक करा था, ये कोकोनट आ गया और ये चाय आ गई। कोकोनट में खाने का नहीं, तू ही खा, क्यों बोले जी ना, मैं कुछ नहीं खाने का, मैं चाय खाऊंगा। नहीं, तो मैंने अपना मोबाइल किसी के पावर बैंक में लगा दिया, और उस समय मेरा जो मोबाइल था 24% चार्ज था, और भाई साहब वो फिर क्या हुआ, उसमें यही 24% लगाया, एकदम स्विच ऑफ हो गया, और फिर वो दिखाने लगा, क्या बोलते हैं उसको, 1% दिखाने लगा, और जब से वैसे ही चल रहा, मतलब उसकी शायद वायर शॉर्ट वगैरह हो गई। तो अभी हम चाय वाय पी लें, फिर इसके बारे में कुछ सोचेंगे, नहीं तो नया मोबाइल मंगवाना पड़ेगा, मंगवाने से मंगवाऊंगा, भांजा जो मेरा मीरापुर में आपको पता है वो रहता है, तो उसका वो EMI का शोरूम वगैरह है, तो वहीं से EMI का कोई सस्ता सा 25-30 हज़ार रुपये का मंगा लेंगे, अभी आईफोन का जुगाड़ नहीं है। चाय का लुक तो उठा रहे हैं, अभी हम चाय पी रहे, चाय मोए। ये
भैया हैं, इनसे हमें भी मिले। ये किठोर में है और किठोर में इनका अस्पताल है। किस नाम से? ये है जी लोकप्रिय सुभाषी के नाम से। तो इनके पास हम रुके क्यों थे वाईफाई पे वीडियोस वगैरह डालने के लिए। ये भी हमारे भाई, ये सज्जन साई, ये भी मिले। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इन्होंने हमारा सहयोग दिया, हमारे वाईफाई कनेक्ट वगैरह करवाया, हमने वीडियोस वगैरह डाली हैं जो कि मिल जाएंगे आपको। एक ये भी हमारे सज्जन साई, ये भाई तो बिल्कुल फौजी लग रहे हैं। आप फौजी हो? मैं फौजी, ये रिटायर्ड फौजी। मैं अभी तो भर्ती हुआ, अभी नहीं तो भर्ती में, नहीं नहीं। तो चलो मिलते हैं आप सभी से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस नहर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, ये किठोर में एक नहर पड़ती है, वहाँ पे रुक कर स्नान करेंगे। तो ये नहर है, अब मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई नहाने का स्नान करता है। और सांझापुर पार करने के बाद एक गांव पड़ता है, गांव में क्या है पता नहीं क्या है, पर अभी हम पेट्रोल पंप पर बैठे हैं, थोड़ा सा भोजन कर रहे हैं। हमने लिए थे केले और ये अमरूद एक आध किलो। और कहने की बात नहीं है, किठोर से आगे गांव पड़ता है सांझापुर, तो वहाँ से ना हम केले खरीद रहे थे। उस भैया ने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा राम मंदिर जा रहे हैं। और वो जो सांझापुर है वो मोमडनों का एरिया है सारा। तो उससे हमने उसने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम जा रहे हैं राम मंदिर। उसने फिर हमें केले नहीं दिए, जब हमने नागपुर से आगे खरीदे। ऐसा भी होता है, हमने ऐसा देख लिया इस देश में, ऐसा भी होता है। उसे जैसे ही पता लगा राम मंदिर जा रहे हैं तो उसने केले नहीं दिए, गया आगे से दे। देखो सुनो, अपने धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, दूसरे धर्म के बारे में भरा भुला कहना वो गलत बात है। अब हम गलत नहीं कह रहे, हमारे साथ जो हुआ वो हमने शेयर करा। तो उज्ज्वल गोले के नाम से है, मेरा इंशुपर के नाम से है। आप कहाँ से हो भैया? यहीं से, लोकल से ही हो? हाँ यही है, मोटा ही हो, मोटा ही है। ये नंदी महाराज है हमारे, ये वहाँ से खींच के लाना पड़ रहा मुझे। ठीक है ठीक है, जय श्री राम। ठीक है बोले, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक ठीक हाँ, जब जिंदा तो करो ठीक। तो अभी हम बैठे हैं घर से 5 किलोमीटर पीछे है बाबू जी, घर से 5 किलोमीटर पीछे बैठे हैं। हम चाय पी रहे हैं बाबा जी की टपरी के सामने, इधर टपरी खा रहे बाबा जी। यहाँ रुके थे हम, अब यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाना है। 5 किलोमीटर आगे जाके गढ़ है, और गढ़ से बैराज कितनी दूर है जी? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर ब्रजघाट, ब्रजघाट। तो आज हमारा जो सफर अंत होगा वो ब्रजघाट जाके होगा, वो राम जाने। ठीक है मेहतारी। तो इन सफर भाई थक गए हो? क्या रेल बन रही, 30 किलो वजन है बैग में। अभी थके तो है, चल रहे हैं अभी घड़ी तो, लेके जाके। तो कहाँ तक पहुँचे आप? कहाँ तक पहुँचे क्या, गढ़गंगा पहुँचने वाले हैं। 4 किलोमीटर दूर है, और गढ़ का बोर्ड सामने ही है। यहाँ भी ये पीछे गंगा जी है, सूखी पड़ी है, नीचे जाकर सीधे चलाई रखी हैं। भगवान जी पहुँच रहे हैं, देवी मैया भी पहुँच रहे हैं। आए तो आए, चलें जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है तेरा? अमन। अमन कहाँ से है? कौन सी क्लास में? थर्ड। अरे क्या क्या पूछ रहा था तू हमसे? यूट्यूबर हो तू? हाँ यूट्यूबर ही है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। तुझे कैसे पता लगा? हाथ में कैमरा। अच्छा कैमरे से पता लगा, गोप्रो से। तेरा नाम क्या छोटे? एहतेशाम। कौन सी क्लास में? 5th। फोटोग्राफ? और भाई साहब उज्ज्वल गोला का ऑटोग्राफ लिया जा रहा है ये भाई साहब, कैडी चीज है। तुम्हारे बिलिंग कौन सी क्लास में है तू? थर्ड क्लास में। मेरे से तो ये ले ले तुझे, इस पे तेरी वीडियोस भी आ जाएगी, इस पे इंश्योर ब्लॉग्स के नाम से यूट्यूब पे सर्च करेगा, इंस्टाग्राम पे ये है, फेसबुक पे ये है। ठीक है, नाम क्या बताया तुमने? अमन। अमन अरे ठीक है, नाम बता अपना। मेरा नाम दक्ष है। दक्ष है, तुम्हारा नाम क्या? दक्ष कश्यप। दक्ष कश्यप, चल मिल गए। हमारा भी एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? सरी कश्यप। उसने पेट्रोल लगा रखी है हमारी सेंटर ग्राम। कौन सी ग्राम पड़ा है तू? 12। अच्छा इंस्टाग्राम चाहिए तुझे? कैसी है इंस्टाग्राम? बोल सेंटर ग्राम चाहिए, तेरी वीडियो डाल दें कैम पे, यूट्यूब पे आओगी, सब्सक्राइब कर लिया तुम्हारा चैनल, भी करवा दूँगा बिल्कुल करेंगे। बताओ अपनी आईडी दो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस समय गढ़,
अब घर से जाना है हमको ब्रिज घाट। नंदी जी हमारे साथ है, ये नहीं मुँह लगाया करो, देखो इतना सा प्यारा नाम लिया इन्हें। तो ये सामने गढ़गंगा ही गढ़गंगा ब्रिज क्या बोलते हैं इसको, गढ़मुक्तेश्वर की यहाँ से पहचान हो जाती है। हमको इस साइड में जाना है, और इस साइड अगर जाते हो आप इस साइड में यहाँ पड़ता है गढ़गंगा का मेला, ठीक है ना, जो अभी पीछे भरा था और मैं वहाँ जा नहीं पाया। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर चाउमीन मिलती है, वो चाउमीन खा के जाएंगे हम, हैं यहाँ तो है ही नहीं। मैं तो भाई साहब वहाँ से बुक्का रहा, यहाँ पर चाउमीन बनती है, बड़ी टेस्टी चाउमीन बनाता था वो, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो बिरयानी बिरयानी बिक रही भाई साहब, हे भगवान, चाउमीन का इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था मैं, चाउमीन खाएंगे चाउमीन खाएंगे, चाउमीन वाले गए थे यहाँ से। जब मैं पिछले साल यहाँ पे गढ़गंगा में आया था तो यहाँ पे मैंने वो खाई थी चाउमीन, एंड इट वाज रियली डिलीशियस मैन, दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर इट। तो अभी तो मिला नहीं है, अब हम जा रहे हैं ब्रिज घाट यहाँ से पड़ता है 8 किलोमीटर दूर, वहीं पर आज हम अपना स्टे करने वाले हैं, फिर उससे आगे का सफ़र देखते हैं कैसा रहेगा। यहाँ तक का तो ऐसा लगता है कि अपना ही है। दोस्तों इस समय हम सफ़र कर रहे हैं बैराज के हाईवे पे, और हाईवे के बारे में तुम्हें क्या ही बताऊँ, मेरे को ना गर्लफ्रेंड याद आ रही है, अपनी बाइक याद आ रही है, वो होती है ना यहाँ पे हंग 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 हंग, उसकी एक जो टॉप स्पीड है वो 128 की, भाई सब भगाने में मज़ा आ जाता। ऐसे ही हाईवे तो चाहिए मेरे बाइक भगाने के लिए, बिल्कुल ऐसे हाईवे बना रखी है इन्होंने। और सामने देख रही हो आप, वो है टोल प्लाजा, यहाँ से गंगा जी अब 4 या 5 किलोमीटर रह रही हैं, तो वहीं आज हम विश्राम करेंगे जैसे मैंने बताया था। बस मेरे को हाईवे पसंद आया, यही बता रहा था मैं आपको, हाईवे इज नीड एंड क्लीन बेबी।